दोस्तों आज हम नॉन वर्बल रीजनिंग का पार्ट 13 देखने वाले हैं, जिसमें कि हम समझेंगे एनालॉजी। तो जैसे कि वर्बल रीजनिंग में एनालॉजी होता था, उसी तरह नॉन वर्बल रीजनिंग में भी एनालॉजी होता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये एनालॉजी होता क्या है, सादृश्यता क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि जब दो डायग्राम एक ही तरह प्रतीत होती हो, या एक ही तरह दिखती हो, या फिर एक ही तरह के गुण हो, तो उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? सादृश्य, मतलब एनालॉजी बोलते हैं। मतलब एक यदि सिंपल भाषा में समझे तो क्या होता है? समानता। इसका अर्थ क्या होता है? समानता। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, डायग्राम में कुछ ना कुछ समानता रहेगा, वो हमें ढूंढना रहेगा। ठीक है दोस्तों, आज दोस्तों जितने भी क्वेश्चन देखने वाले किसी ना किसी एग्जाम में आया हुआ है, तो ये डेफिनेटली आपको जो आने वाले एग्जाम है उसमें डेफिनेटली आपको मदद करेगा ये वीडियो। तो आप लोग शुरू से अंत तक देखते रहिएगा ताकि आप लोगों को अच्छे समझ में आए। मैं हूं आपका दोस्त अश्विन करतनिया और मैं आप लोग का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लिखे सक्स में। तो चलिए देख लेते हैं। अब दोस्तों आप क्वेश्चन को, मेरा जो सॉल्यूशन है वो देखने से पहले थोड़ा सा वीडियो को पॉज कर लीजिए, आप खुद से सॉल्व कर लीजिए। और पार्ट 1 से पार्ट 12 तक दोस्तों इसका पहले वीडियो बनाया हूँ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप चाहे तो देख सकते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। पहले क्वेश्चन में क्या, इन दोनों में क्या समानता है, वो हमें देख के, मतलब इन दोनों को रेफरेंस लेके यहाँ पे क्या आएगा वो हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे ऑप्शन भी दिया रहता है। ठीक है, ऑप्शन में दिया है चार डायग्राम, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है वहां पे क्या आएगा वो निकालना है। अब देखिए इन दोनों में पहले देखेंगे हम क्या समानता है, उसी तरह इसका समानता इसके अगले डायग्राम से होगा। कैसे, देखिए इसमें क्या हो रहा है जी, ये जो कार्टून टाइप का बना हुआ है इसमें क्या हो रहा है, देखिए ये इस तरफ देख रहे हैं और इधर से इधर साइड देख रहे हैं। अब इसमें क्या होगा दोस्तों, मतलब जस्ट ऑपोजिट साइड, या फिर ऐसा बोले कि इसका आधा साइड खाली, मतलब आधा साइड जो ब्लैक है वो इस साइड जब आता है सेकंड डायग्राम में, वो क्या होता है, वाइट हो जाता है, और इस साइड जो वाइट है वो क्या हो जाता है, ब्लैक हो जाता है। तो इसी तरह इसका आगे वाला क्या होगा, नीचे नीचे देखिए ये क्या है, ये बोल सकती है नीचे तरफ देख रहे हैं, तो ऐसे बोल सकते कि नीचे जो ब्लैक है वो क्या हो जाएगा, ऊपर सफेद की जगह ब्लैक हो जाएगा और ब्लैक की जगह काला, मतलब ऊपर दोनों काला हो जाएगा आंख में, वैसा ढूंढना है। तो हम देखिए डी नंबर में देखिए दोनों आंख के ऊपर साइड क्या है, ब्लैक है, और नीचे क्या है, वाइट है, आधा पोर्शन वाइट आधा आधा ब्लैक है, तो ब्लैक ऊपर होना चाहिए और नीचे व्हाइट होना चाहिए, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब दोस्तों ये दूसरा क्वेश्चन है, अच्छे से समझिएगा इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पे क्या किया है, ये त्रिभुज है, उसके आगे वाला चतुर्भुज हो गया, तो ये भी त्रिभुज टाइप का है, त्रिभुज का अगले वाला क्या होगा, चतुर्भुज होगा, और ये तो चारों डायग्राम में चतुर्भुज ही है, तो इनमें से कोई एक होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, ये त्रिभुज का एक साइड से क्या कर गया है, बढ़ गया है। अब देखिए ये इस साइड से बढ़ा है, मतलब ऑपोजिट साइड, और अगला वाला क्या हुआ, उसके ऑपोजिट, मतलब इस साइड बढ़ रहा था, मतलब इधर आ गया, इधर से बढ़ा है इस वाले में, ठीक है, ऑपोजिट साइड में। तो इसमें देखिए इसमें तीनों हिस्से में बढ़ रहा है, तो यहां से क्या होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब इसका क्या हो जाएगा, इसका ऑपोजिट डायरेक्शन। ऑपोजिट डायरेक्शन कहाँ होगा, ये जैसे कि इसमें दिख रहा है कि एक ऑपोजिट डायरेक्शन, इसी तरह जब ऊपर जाएगा तो ये ऊपर वाला ऑपोजिट डायरेक्शन, फिर इधर आ गया, एक एक इधर आ गया, मतलब कोने कोने से एक एक बढ़ गया। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये तीसरा क्वेश्चन है, अच्छा समझिएगा क्या रिलेशन है। पहले हमें देखना पड़ेगा इन दोनों में क्या रिलेशन बन रहा है, उसके बाद इसका अगला क्या बनेगा वो हमें देखना है। अब देखिए यहाँ पे अगला क्या क्या आया है, देखिए ये जो पास वाला था वो पहले आ गया, ठीक है, सीरीज में पहले, यदि इसको 1 2 3 4 दे दे तो इधर क्या आ गया, 4 3 2 1 आया है। ठीक है, और जब ऐसे में आया है तो इसमें देखिए क्या हो गया, ऊपर वाला हिस्सा नीचे आ गया, तो इसी तरह इसमें क्या हो गया, यदि हम इसको 1 2 3 4 दे दे तो ये 4 वाला पहला आएगा, 4 3 2 1 आएगा, और ये वाला हिस्सा ऊपर आ जाएगा, मतलब कुछ इस टाइप से डायग्राम बनेगा, एक डायग्राम ये बनेगा, ये एरो का निशान ऊपर आ जाएगा। तो ऐसा हमें कौन कौन सा डायग्राम दिख रहा है, देखिए सी नंबर, और किस में दिख रहा है, और किसी में दिख ही नहीं रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या किया है वो देखिए। अब इन दोनों में क्या लॉजिक है, हमें वही देखना है, इसमें जो समानता है वही हमें यहाँ पे भी उसी तरह से करना है, वही लॉजिक लगा के। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ऊपर वर्टिकल लाइन है, ये दोनों वर्टिकल लाइन है, अगले में क्या हुआ, हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, लेकिन हॉरिजॉन्टल लाइन होगा तो यहाँ पे भी क्या होगा, वर्टिकल लाइन होगा, तो हमें दिख रहा है कि तीन वर्टिकल है, तीनों में वर्टिकल लाइन है, ए बी और डी में, सी नंबर तो कैंसिल हो गया। अब ए में देखिए, ए में क्या है, दो एरो का निशान है, ये भी कैंसिल हो गया। अब हमारे पास बचा कौन सा, बी और डी, बी और डी में कौन सा होगा ये हमें ढूंढना पड़ेगा, तो यहाँ पे एक रिलेशन और निकालना है। देखिए ये जो एरो है, हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यदि घुमा दे, मतलब ये जो इसको पूरा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा दे 90 डिग्री में, तो हॉरिजॉन्टल में आ जाएगा, और एरो का निशान कहाँ आएगा, नीचे साइड आएगा, इस टाइप से आ जाएगा, इसको यदि हम ऐसे घुमा दे 90 डिग्री तो ऐसे हॉरिजॉन्टल बन जाएगा, इस साइड होएगा, इस साइड आने के बाद क्या किया होगा दोस्तों, इसको पलट दिया गया इस तरह से,
मतलब ये जो एरो का निशान इधर साइड था उसको इधर कर दिया, इधर वाला इधर आ गया, ये अपने को जो दिख रहा है, ठीक है। इस तरह किया, इसी तरह इसको जब हम करेंगे तो 90 डिग्री जब घुमाएंगे इधर तो कैसे आएगा दोस्तों, इस टाइप से होगा, इस टाइप से होगा। और जब ऊपर जाएगा तो किधर साइड आएगा, इधर साइड आएगा। ये दोनों जब हम इसको 90 डिग्री घुमाएंगे इधर से, 90 डिग्री घुमाएंगे तो ऐसे नीचे आएगा, एरो इधर आ जाएगा, तो एरो वाला क्या हो जाएगा, ऊपर साइड चला जाएगा इधर साइड। तो हमारा आंसर क्या होगा, जिसका लेफ्ट हैंड साइड में हो एरो का निशान, तो किसमें है, डी नंबर में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी पांचवा क्वेश्चन है, देखिए इसमें क्या है, सिंपली इसमें क्या किया, जो एरो है इसको क्या कर दिया, 90 डिग्री घुमा दिया, मतलब हॉरिजॉन्टल में पोजीशन में आ जाएगा। जो ऊपर है उसको भी 90 डिग्री घुमा दिया तो क्या, वर्टिकल पोजीशन में आ गया। ये नेक्स्ट स्टेप में देखिए इन दोनों को, अब इसी तरह इसको क्या करेंगे, 90 डिग्री घुमाएंगे, तो ये वाला ऊपर वाला जब 90 डिग्री घूमेगा तो इधर आ जाएगा, और जो ये नीचे हॉरिजॉन्टल है वो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो हमारा आंसर ये वाला होगा, इस तरह से कौन सा दिख रहा है आपको, ए नंबर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब दोस्तों ये देखिए इसमें क्या किया है, देखिए इन दोनों में क्या रिलेशन है, वही हमें यहाँ पे इसका नेक्स्ट डायग्राम जो है वो फाइंड आउट करना रहेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या किया, सिंपली क्या किया है, जो बाद में था वो पहले आया है, जो पहले था वो क्या है, बाद में आया। मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पे क्या बना है दोस्तों, मिरर लगा हुआ है, मिरर इमेज बना है, लेकिन मिरर इमेज में मिरर इमेज बना है, लेकिन एग्जैक्ट मिरर इमेज नहीं, नहीं बस इतने के लिए कि ये वाला पास था, ये मतलब मिरर के पास में था तो ये पास में बना है, ये दूर था ये तो ये दूर बना है, ठीक है, मतलब मिरर इमेज बना है। उसके बाद एक चीज और हमें देखना पड़ेगा, यदि वैसे देखे तो देखिए ई वाला मतलब यहाँ पे जो आएगा, यहाँ ई वाला बनेगा इधर साइड, और इधर क्या बनेगा, एफ वाला, मतलब जो मिरर के पास में है ये पास में ई है तो ई बनेगा, और दूर एफ है तो एफ बनेगा। अब हमें देखना पड़ेगा क्योंकि इसमें सब में देखिए सब में ई और एफ टाइप का ही बना है, तो इसमें जो ये थोड़ा कर्वेचर है उसमें भी क्या क्या रिलेशन है वो भी देखना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे ये क्या है, ये वाला कुछ है इस टाइप का है, और ये इस टाइप, इस साइड आके क्या हो गया दोस्तों, दोनों पलट गया, देखिए दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हो गया, ठीक है, नीचे वाले दोनों। तो इसी तरह इसमें क्या होगा, ये दोनों, ये जो है दोनों नीचे, ये क्या पलट जाएंगे, मतलब ये ऊपर इस टाइप का कुछ बनेगा, ये जो दिख रहा है ये और ए इस टाइप का बनेगा, ठीक है, मतलब ई जब इस साइड आएगा, मतलब जो ऑप्शन है उसमें आंसर में इसका ऐसे नीचे बनेगा, और ये जो कर्वेचर है ये वाला तो सेम ही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। अब जो एफ था, एफ में देखिए एफ में क्या था, एक में चेंजेस हो रहा है, किसमें चेंजेस हो रहा है दोस्तों, नीचे वाला ठीक था लेकिन ऊपर वाला चेंज हो रहा है, मतलब इसमें भी क्या होगा, ऊपर वाला क्या हो जाएगा, वर्टिकल, मतलब दोनों क्या हो जाएंगे, ये जो नीचे वाला तो ऐसा ही रहेगा, ऊपर वाला बस उसका ऑपोजिट हो जाएगा, जैसे कर्वे नीचे साइड कर्वेचर है लेकिन ये कहा जाएगा ऊपर में, मतलब कैसे बनेगा, ये एफ जो है इस टाइप से, और सॉरी ये क्या इधर पलट जाएगा, मतलब एफ उधर चला जाएगा तो मिरर में ऐसे बनेगा ऐसे, और ई जो है ऐसा था, ई वाला कैसा बनेगा दोस्तों, दोनों ये क्या था, दोनों पलट जाएंगे, मतलब ऐसे ऐसे, और ऊपर का जो हिस्सा था वो तो सेम ही रहेगा ऐसे। तो इस टाइप का आपको डायग्राम कहाँ दिख रहा है वो देख लीजिए, इस टाइप का हमें डायग्राम दिख रहा है सी नंबर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी सातवां क्वेश्चन है, सातवां क्वेश्चन में क्या लॉजिक लगा है वो देखिए इन दोनों डायग्राम में, उसके बाद इसका अगला डायग्राम निकालिए, वीडियो को पॉज करके आप दोस्तों खुद से सॉल्व कर लीजिए। ये देखिए दोस्तों यूपी पुलिस में आ चुका है, तो इस टाइप के ही सरल सरल क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादा टफ नहीं आएंगे। और दोस्तों यदि किसी क्वेश्चन में आप उलझ जाते हैं कभी भी एग्जाम में, तो उसको आप तुरंत छोड़ दीजिए, अगले क्वेश्चन को करने की कोशिश करिए, उसमें उलझे मत रहिएगा, क्योंकि उससे टाइम ज़्यादा लगता है। फिर जब आप जब पूरा क्वेश्चन जहाँ तक जितने भी बनते हैं उतने सॉल्व करने के बाद आपको क्या करना है, फिर से दोबारा उस क्वेश्चन में आके आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए, ठीक है। अब इसमें क्या किया है लॉजिक देखिए, यहाँ से 90 डिग्री घुमा दिया है, ये वाला देखिए इसको देख के हम पता करेंगे, ठीक है, क्योंकि बाकी सब चीज़ तो सेम है, ये बस क्या किया यहाँ से घूम के इधर आ गया 90 डिग्री, मतलब ये देखिए ये आ गया वैसा का वैसा ही। इसमें क्या होगा, ये भी 90 डिग्री घूमेगा, कितने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, घड़ी की सुई की दिशा में, क्योंकि ये भी घड़ी की सुई की दिशा में घूम रहा है, तो ये भी घूमेगा, तो ये 90 डिग्री ऊपर जाएगा, मतलब कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, और ये जो पोर्शन है जो एक बॉक्स है वो कहाँ, यहाँ आ जाएगा। तो इस टाइप का डायग्राम कहाँ दिख रहा है आपको, देखिए हमारा सी नंबर में, सी नंबर में ऐसा दिख रहा है, ये जो बॉक्स है यहाँ आया है 90 डिग्री घूमने के बाद, पहले यहाँ था फिर यहाँ से यहाँ आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब दोस्तों ये आठवां क्वेश्चन है, इसमें क्या लॉजिक लगा है देखिए, इससे ये कैसे बना, वैसे ही इसका अगला हिस्सा क्या बनेगा वो हमें निकालना है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पे क्या किया है, ये जो हाफ पोर्शन है नीचे का हाफ पोर्शन, इसको क्या कर दिया, गायब कर दिया, तो ये बने हमारा, उसी तरह इसका क्या करेंगे हम, इतना पोर्शन गायब कर देंगे, तो हमारा ये नीचे वाला हिस्सा हट जाएगा, तो नेक्स्ट पोर्शन क्या बन जाएगा, इतना बस दिखना चाहिए, वैसा डायग्राम कौन सा दिख रहा है, बी नंबर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब दोस्तों ये नौवां क्वेश्चन है,
नौवें क्वेश्चन में देखिए क्या बना है, यहाँ पे क्या लॉजिक लगा है इसमें से। यहाँ पे ये लॉजिक लगा है, पहले सर्कल था उसको क्या कर दिया, एक वर्ग बन गया। ठीक है, मतलब क्या है, यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे क्या, ये जैसे सर्कल था तो यहाँ पे क्या आएगा वो हमें निकालना है। तो क्वेश्चन मार्क में पहले तो ये पता है हमें, क्योंकि इस बार वर्ग दिख रहा है तो यहाँ तो एक सर्कल होगा, ये तो हमें पता है। ठीक है, जो सर्कल था वो क्या हो गया, एक वर्ग बन गया। और जो ये अंदर का लाइन दिख रहा है आपको दोस्तों, ये लाइन बस इसमें ऐड कर देना है। तो ये सर्कल है तो सर्कल में किसी तरह, इस तरह से कर्वेचर बनेगा कुछ और ये लाइन बनेगा। तो इस टाइप का डायग्राम कहाँ बन रहा है आपको देखिए, डी नंबर साफ साफ दिख रहा है कि यही डायग्राम है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब दोस्तों दसवां क्वेश्चन है, इसमें क्या किया देखिए, पहले क्या था, त्रिभुज था, उसका अगला क्या बन गया, पंचभुज बन गया। इसी तरह यहाँ पे क्या है, पहले यहाँ पे एक आयत टाइप का दिख रहा है। ठीक है, ये आयत मतलब इसमें चार भुजा है, तो अगला वाला क्या होगा, छह भुजा वाला, सिंपल सा। यहाँ पे तीन भुजा वाला है, ये पांच भुजा वाला बन गया, यहाँ पे चार भुजा वाला है, तो अगला क्या हो जाएगा, छह भुजा, दो दो भुजा ऐड हो रहा है। तो दो भुजा ऐड करके उसके अंदर क्या कर देंगे दोस्तों, ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देंगे। तो छह भुजा वाला कौन सा दिख रहा है आपको दोस्तों, ये सी नंबर। देखिए इसमें छह भुजा है, एक दो तीन चार पाँच छह, ठीक है, छह भुजा है और छह भुजा के अंदर क्या, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों डेफिनेटली इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। तो दोस्तों यदि पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में बेल आइकन भी क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा उसका आपको डायरेक्ट नोटिफिकेशन मिलेगा। तो दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो मिलता है, तब तक आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे। जय हिंद, जय भारत।